हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सेहत का खजाना, सिर्फ एक लड्डू ऐसा जो हमें देगा भरपूर विटामिन, कैल्शियम, मिनरल, प्रोटीन। इतना स्वादिष्ट लड्डू बनाना जिसे बहुत आसान है और जिसे हम बिना चीनी, चाशनी और गुड़ के बनाएंगे। आप इसे एक बार बना के पूरे 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड, रेसिपी को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ पहाड़ी चटकारा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपना स्वादिष्ट लड्डू बनाने को चलते हैं। तो स्वादिष्ट लड्डू बनाने के लिए हमने बहुत सारे यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिए हैं, तो इस तरीके से आप भी ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा। और एक गैस में हम हैवी बॉटम का एक पैन या कढ़ाई कुछ भी इसमें रख दीजिएगा। तो हम उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, और यहाँ पे डालेंगे हम आधी कटोरी बादाम और आधी कटोरी काजू। तो मेजरमेंट करने के लिए आप कोई एक कटोरी कप कोई भी एक सेट कर लीजिएगा। अगर एक एक कटोरी रख रहे हैं तो मैं यहाँ पे आधा आधा कटोरी रख रही हूँ, तो आपकी मर्जी, आप ड्राई फ्रूट कितना कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पे हमें इन्हें रोस्ट करना है, ताकि इसे हम जब लंबे टाइम तक स्टोर करें ना तो ये ख़राब ना हो। तो अच्छे से जब भून लेंगे, जब इस तरीके से गोल्डन कलर हो जाएगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ठीक उसी पैन में हम 1 चम्मच घी और डाल देंगे, और इसमें डालेंगे हम ठीक उसी कटोरी की आधी कटोरी हम यहाँ पे किशमिश। इसमें भी बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, तो इन्हें हमें लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है, और भूनने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। तो विंटर स्पेशल ये लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। बच्चों के एग्ज़ाम जब आते हैं तो उन्हें ज़रूर दीजिएगा। तो ठीक उसी पैन में हम 2 चम्मच घी और डालेंगे। तो इसमें अब हम डालेंगे कद्दू के बीज, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, और जिन्हें नींद नहीं आती है ना तो उनके लिए बहुत मददगार है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे सूरजमुखी के बीज यानी कि सनफ्लावर सीड। तो सनफ्लावर सीड में विटामिन ई पाया जाता है, जो हमारी त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच के आसपास खसखस का बीज, जिसने शरीर में दर्द होता है ना तो उनके लिए बहुत अच्छा ये इलाज है, और इम्यून सिस्टम को तो बूस्ट करता ही है, पेन रिलीवर है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर डालिएगा, और इन्हें हम हल्की आँच पर भून लेंगे। अच्छे से रोस्ट करना है, जब तक इनमें से आवाज़ ना आए चटकने की। तो एक चीज़ और बता रही हूँ, इसमें हम डालेंगे सफ़ेद तिल, यानी कि 1 से 2 चम्मच हम यहाँ पे सफ़ेद तिल डालेंगे। और तिल जल्दी से भुन जाते हैं, इसलिए मैंने इसे बाद में रखा है, तो हम इसे बाद में ही डालेंगे, नहीं तो सारा तिल जो है वो जल जाएगा। तो जब बीजों से चटकने की आवाज़ आ जाएगी, एक सौंधी सौंधी खुशबू आ जाएगी, तब इस स्टेज पर हम डालेंगे यहाँ पर नारियल, यानी कि जो नारियल आता है गोला, उसको मैंने कस कर लिया था पतला पतला, तो उसे हम इसमें डाल देंगे। और इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और स्किन और बालों के लिए तो बहुत ही लाभकारी है। तो इसे आप 1 से 1.5 कटोरी भी डाल सकते हैं। इसे भी हम भून लेंगे, लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा ये सब भूनने में। तो भूनते हुए हम इसे, बस ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम हम यहाँ पर लो ही रखेंगे। तो व्रत हो या सर्दी हो, या एक लड्डू खाने से दिन भर रहेगी एनर्जी, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बनाएगा। तो ये भून चुका है, तो अब हम इसे निकाल देते हैं, सारे ड्राई फ्रूट के साथ हम डाल देते हैं। तो इन लड्डुओं को हेल्दी बनाने के लिए हम यहाँ मीठे में यहाँ पे यूज़ करेंगे खजूर यानी कि डेट्स, ना हम चीनी यूज़ करेंगे ना ही हम गुड़। तो एक पैन में हम यहाँ पे 2 चम्मच घी डालेंगे, तो ध्यान रखें घी की ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। 2 चम्मच घी डालने के बाद हमने यहाँ पे छिलके निकले हुए हम यहाँ पे खजूर डालेंगे, यानी कि जो इनके अंदर शीट थे ना वो हमने निकाल लिए थे। बाहर से भी इनके हल्के से छिलका होता है ऊपर की तरफ, तो वो हमने अच्छे से निकाल लिया, साफ़ कर लिया है। लो फ्लेम पर ही हमने खजूर को भूनना है। जब ये हल्के से गर्म होने लग जाएंगे ना, तो ये अपने आप इस तरीके से प्रेस करते हुए मेल्ट हो जाएंगे। और जिन्हें कमर दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, सर्वाइकल, माइग्रेन, बैक पेन की प्रॉब्लम होती है ना, इन सभी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। और बच्चों की मेमोरी तेज करने के लिए तो बहुत ही लाभकारी ये लड्डू बनने वाले हैं, और जो बच्चों की हड्डियाँ होती ना उनको भी मजबूत बनाने में बहुत मदद करता है। तो फिर आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो हमारा खजूर बहुत अच्छे से मैश भी हो गया है और भुन भी चुका है, तो इस स्टेज पे हम गैस को कर देंगे बंद और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो हमारा मिश्रण हमने बनाया था ड्राई फ्रूट का, तो हम यहाँ पे डालेंगे जायफल का पाउडर। बहुत ही हेल्दी ये जायफल होता है, सर्दियों में खांसी की प्रॉब्लम से ये रिलीफ करता है। और टेस्ट के लिए हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच यहाँ पर इलायची पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे ड्राई फ्रूट्स में। जायफल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही हेल्दी है। तो यहाँ पर हम
अपना डालेंगे यहाँ पे खजूर, जिन्हें हमने अच्छे से मैश कर लिया था, भून लिया था। तो हल्का सा ठंडा हो चुका है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं हुआ है, तो अच्छे से हम पहले चम्मच से इसे मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही। अभी थोड़ा गर्म है तो हल्के हाथों से हमने इनको आपस में मिलाना है। तो फ्रेंड, इस सर्दी ज़रूर बनाएगा, बहुत ही हेल्दी हमारे ये लड्डू हैं और बच्चों के लिए तो बहुत यूज़फुल है और बड़ों के लिए भी बहुत यूज़फुल है। बस एक बार जब चम्मच से अच्छे से मिल जाए ना, तब हम हाथों से इसे फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि लड्डू तो हमने हाथों से ही मिलाने हैं तो बहुत अच्छे से लड्डू बनेंगे। तो फ्रेंड, मैं तो आपको ये एडवाइस ज़रूर दूंगी कि आप अपने इसे डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। हम बच्चों को जब भी ड्राई फ्रूट देते ना, बच्चे नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से अगर बना के देंगे ना लड्डू के फॉर्म में, तो वो झट से खाएंगे और खुशी खुशी खाएंगे, और इससे क्या होगा कि उनको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा, उनकी दिमाग जो दिमाग है, हड्डियाँ हैं, बहुत अच्छे से काम करेंगी। तो इस तरीके से हम लड्डू का शेप दे लेंगे। देखिए कितने अच्छे से ही हमारे लड्डू बन रहे हैं, कोई कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत इजीली हमारे लड्डू बट रहे हैं। तो अपने मनपसंद के हिसाब से आप लड्डू छोटा बड़ा कर सकते हो, मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। ये हमारे परफेक्ट हमारा लड्डू बन के तैयार है। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू भी बना लेंगे, और जब बच्चों के एग्ज़ाम हो ना, तो आप उस टाइम बच्चों को ये ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उनके ब्रेन जो है वो एक्टिव रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। तो हमारे सारे लड्डू हम बन चुके हैं और इन्हें हम सर्व कर लेंगे। एक लड्डू खा के हम रहेंगे पूरे दिन भर एनर्जी से भरपूर, और जब हम इन्हें इस तरह से लड्डू रैपर में रैप करके इन्हें सर्व करेंगे, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने खुद बनाया है। लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट के एकदम महंगे महंगे मिठाई जैसे। तो ये हमारे परफेक्ट लड्डू बन के तैयार है। तो अब हम इन्हें आपको तोड़ कर भी दिखा सकते हैं। सुपर हेल्दी स्वादिष्ट हमारे ड्राई फ्रूट लड्डू बन के तैयार है। देखिए बहुत टेस्टी और हेल्दी हैं, तो इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस विंटर सीजन में। और आप इन्हें एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हो 6 मंथ के लिए। और तो फ्रेंड, अगर आज की रेसिपी आपके लिए बहुत यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।